नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं और इस पूरे मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई भी हो रही है। एक बेंच हाई कोर्ट में फंसा हुआ है और अभी उसका फैसला आया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक और मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। अब मुसीबत कोरोना है, कोरोना की वापसी हो चुकी है, कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। आईएमए भी सतर्क हो गया है, गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकारों की तरफ से स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक का दौर जारी है। कई राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री ने बैठक की भी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस बीच जब कोरोना का एक बार फिर से विस्तार होने लगा, कोरोना अपने पैर पसारने लगा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जरूरी है या फिर यह महज एक मजबूरी है? हमने इसलिए आज कहा कि चुनाव जरूरी है या फिर मजबूरी है, कोरोना रिटर्न्स, क्योंकि वापसी हो चुकी है कोरोना की। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि आज कोर्ट से जो फैसला क्या आएगा और कोर्ट से फैसला आने के बाद क्या चुनाव सही समय पर होंगे या फिर टाल दिए जाएंगे? क्योंकि यदि आज फैसला नहीं आता है तो यह माना जा रहा है कि कोरोना तो अपने पैर पसार ही रहा है, लेकिन कोर्ट में फैसला ना आने की वजह से भी कम से कम 4 महीने, 3 से 4 महीने यह चुनाव टल सकता है। और आज हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने पिछले दरमियान देखा कि जिस तरह से पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना का विस्तार हुआ, कितने लोगों ने जान गंवाई। ऐसे में क्या हमें अभी से सतर्क होने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि जब कोरोना ने दस्तक दे ही दी है तो हमें तैयारी भी करनी होगी। और हम यह भी जानना चाहेंगे कि सरकार की तैयारी क्या है, यदि चुनाव होते हैं तो सरकार ने किस तरह से तैयारी कर रखी है चुनाव कराने की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाना जरूरी हो, ये सब दिशा निर्देश तो दिए जाने लगे हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने क्या प्लान कर रखा है, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव कराने को लेकर, ताकि कोरोना का जो प्रभाव एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं उस पर अंकुश लग सके और कोरोना की चपेट में प्रदेश की जनता ना आने पाए। तो कोरोना को लेकर के इसलिए हम कह रहे हैं, और यूपी नगर निकाय चुनाव का मामला हमने बताया कि कोर्ट में फंसा हुआ है। ओबीसी आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज फिर सुनवाई हो रही है और इसके पहले इस मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी। और यदि आज सुनवाई टली तो फिर यूपी नगर निकाय चुनाव के लंबा टलने की आशंका जताई जा रही है। कोर्ट में शीतकालीन अवकाश होने जा रहा है, 24 दिसंबर के बाद हाईकोर्ट में 31 दिसंबर तक अवकाश रहेगा और 1 जनवरी 2023 को रविवार है। तो जाहिर तौर पर लोग यह मान रहे हैं कि हाईकोर्ट खुलने के दिन ही फैसला आ जाए तो भी चुनाव होने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त लग ही जाएगा। और जाहिर है चुनाव में देरी से सियासी दलों को तैयारी का थोड़ा अधिक मौका तो मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल दावेदारों को आने वाली असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि जो दावेदार हैं वो सभी राजनीतिक दल के दावेदारों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और टिकट के लिए भी पार्टी के चक्कर और अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के आवासों के चक्कर भी काटने शुरू कर दिए हैं, चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। और 2017 के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 28 अक्टूबर को जारी हुई थी और पहले चरण की वोटिंग 22 नवंबर को हुई थी, 26 को दूसरे चरण और 29 नवंबर को तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 1 दिसंबर को हुई थी,
तो ऐसे में जाहिर है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने से मतदान के बीच में कम एक महीने का वक्त लगेगा। और एक पेच यह भी है कि 16 फरवरी से 28 फरवरी तक बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम भी हैं। सभी कक्षाओं में कोर्स पूरा करके और अंतिम तारीख 20 जनवरी है, तो जाहिर तौर पर है आने वाले समय में ये तमाम सारी जो चीजें हैं नजर आ रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या फैसला आने में यदि देरी होती है तो क्या चुनाव 3 से 4 महीने टाल सकते हैं क्या। मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की और किस तरीके से सरकार की तैयारी है। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। भरत गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भरत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी आपका रुख करेंगे, चुनाव का मामला कोर्ट में जो फंसा है तो फंसा ही है, लेकिन इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर के अब सरकारें सतर्क होने लगी हैं, मामले बढ़ रहे हैं। चीन में किस तरीके से तांडव मचा दिया है कोरोना ने, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे आकलन लगाया जा सकता है कि वहां पर दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, वहां पर बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, यहां तक कि कब्रिस्तान जैसे जगहों में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, लाइनें लगानी पड़ रही हैं। अभी से ये हालात वहां पर हो गए हैं, तो हमें सतर्क होने की जरूरत है। ऐसे में चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अगर हम राय जाने तो क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी की, कोरोना अगर बढ़ता है तो चुनाव रोकना चाहिए या फिर कराने चाहिए? दूसरी तरफ यदि कराने चाहिए तो सरकार की तैयारी क्या है? निश्चित तौर पर सबसे पहले बता दूं कि ये कोरोना जो है विभीषिका है, और विभीषिका ऐसी है जो जानलेवा है, ढेर सारे लोगों की जान जाने की संभावना है। ऐसे परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए वो अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर चुकी है, लोगों में गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं और लोगों को ये सतर्क किया जा रहा है कि आप दूरी बनाए रखें और ऐसे किसी भी स्थिति से तैयार रहे जिससे कि कोरोना आपके पास या किसी को कोरोना से कोई ग्रसित ना हो। उन सबके लिए बढ़ने के लिए जो भी हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, जो ट्रेनिंग स्टाफ के लिए ट्रेनिंग है, गैस की जो ऑक्सीजन व्यवस्था है, हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर उत्तर प्रदेश सरकार एक मुश्त तैयार है। यदि ऐसी कोई विविधता आती है तो निश्चित तौर पर चुनाव बाद में है, लोगों की जान पहले जरूरी है, लोगों की जान बचे, लोग स्वस्थ रहे, उत्तर प्रदेश और देश के नागरिक अपने जीवन चर्या को ठीक ढंग से चला सके, उसके बाद चुनाव है। यदि ऐसी कोई विविधता आती है तो निश्चित तौर पर चुनाव वोट डालना ये राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है, हम इससे तैयार हैं। यदि कोरोना नहीं रहता है तो मानिए उच्च न्यायालय जो भी फैसला देंगे उसके आगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम न्यायपालिका न्यायपालिका और विश्वास करने वाले लोग हैं, न्यायपालिका जो भी अपना आदेश देगी, जो भी निर्णय देगी, उसके बाद जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, कपीश जी आप की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, समाजवादी पार्टी की क्या राय है, क्योंकि कोरोना को लेकर के जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि पंचायत चुनाव के दौरान किस तरीके से हालात हुए, जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी कितने लोग उसमें कोरोना की चपेट में आ गए और जान गंवा बैठे, क्या राय है समाजवादी पार्टी की इस दौरान? देखिए एक बात हम जरूर कहेंगे, हाँ, चाहे कोरोना काल का प्रथम पीरियड रहा हो या सेकेंड पीरियड रहा हो, भारत के लिए एक असमंजस स्थिति थी, क्योंकि अचानक कोई चीज कोरोना एक में आई, लेकिन अब स्थितियां दूसरी, लेकिन अवेयर सरकार अभी नहीं है। मैं क्यों आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर चीन में इतनी बुरी स्थिति है जो आप कह रहे हैं, इन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक क्यों नहीं लगा दी चीन से आने जाने वाले? बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले की बात है कि चीन से एक यात्री आया था, गुजरात गया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये नया म्यूटेशन के साथ कोरोना आ रहा है जो कि पुराने से वेरिएंट इसका भिन्न है। अब ये कितना खतरनाक होगा भारत के अंदर, या हम लोगों ने जो वैक्सीनाइज अपने आप को किया है वो कहां तक हमें सहयोग देगी जीवन के लिए, ये तो बात की बात है, लेकिन पहले तो कम से कम आपको अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कम से कम चीन से और उन देशों से जहां पर ये वेरिएंट पाया जा रहा है ज्यादा विभीषिका है उन देशों पे रोक लगा देनी चाहिए। दूसरा, बाकी जितने देश हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है उनको पूरी तरीके से स्क्रीनिंग करनी चाहिए और क्वारंटीन के लिए आपके पास व्यवस्था होना चाहिए या उन्हें लौटा देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
तो ये सारी चीजें अगर सरकार करती है तो देश में ना तो आर्थिक रूप से जो हमारे उद्योग चल रहे हैं वो बंद होंगे, ना हमारे इंस्टीट्यूशन बंद होंगे, ना हमारे लोकतांत्रिक चुनाव बंद होंगे, और कहीं कोई विभीषिका नहीं आने की लेश मात्र की संभावनाएं हो जाएंगी। और दूसरा ये जरूर कहेंगे कि उसके बाद भी हमारी सरकार को चाहिए कि वो पूरी तरीके से एक एडवाइजरी जारी करे, उस एडवाइजरी पे पूरा देश चलने का काम करेगा। बस हम भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरान से अनुरोध करते हैं जो भीड़ दिखाते हैं अपने उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कैराना के अंदर फूक बांटते वो पंपलेट्स बांटते हुए हमारे अमित शाह साहब दिखे थे भारी भीड़ के साथ, तो जिस तरीके ने उन लोगों ने कोरोना के गाइडलाइन भी खुद ही धज्जियां उड़ाई थी, तो कम से कम आदर्श के पदों पर बैठे हुए लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये स्पष्ट कर दीजिए कपिल जी, यहाँ पर ये स्पष्ट कर दीजिए कि यदि मामले बढ़ते हैं, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, यदि ऐसे मामले बढ़ते नजर आए भारत में भी, तो समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? निकाय चुनाव को अभी रोक देना चाहिए या फिर समय से कराने चाहिए? मैं तो आज आपको कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दें तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक बात। जब वेरिएंट बाहर से आना है, भारत में तो जनित हो नहीं रहा है, और अगर भारत में आ गया तो आप इस बात को सोचिए आप चुनाव पे क्यों जा रहे हैं। जो तमाम यात्राएं भाजपा भी कर रही है और तमाम अन्य लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए, ये तो रुक जाएगी तो उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर देश का उद्योग जगत का अगर पहिया इस बार रुक गया तो आप सोचिए हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत गड़बड़ स्थितियां हो जाएंगी। पहले रोक लगावे और यहाँ की बाकी क्रियाकलाप होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट बाहर का अंदर ही नहीं आएगा तो फिर हम लोग अपनी एक आम जिंदगी जिएंगे, उस पर फिर लोकतंत्र पे भी कोई असर नहीं होगा। और इसके बावजूद अगर फैलता है तो सरकार अपनी तैयारी करे, एडवाइजरी जारी करे, हम सब लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन वो युक्त युक्त होना चाहिए। ठीक है, भरत गांधी जी, देखिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर रोक लगानी चाहिए, कपिल जी कह रहे हैं। मुझे जितनी जानकारी है कि चीन से कोई डायरेक्ट भारत के लिए तो हवाई यात्रा इस दौरान नहीं चल रही है, लेकिन कनेक्टिविटी जरूर है, अन्य देशों के माध्यम से भारत चीन का आना जाना लगा हुआ है। सरकार इस बात को लेकर के चिंतित भी है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक कर रहे हैं, राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान चुनाव भी है, यूपी में निकाय चुनाव होने हैं, तमाम सारी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। सरकार को क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं को लेकर के चिंतन मंथन नहीं करना चाहिए था क्या अब तक? ये दो मामले हैं, एक तो निकाय के चुनाव का सवाल है और एक कोरोना के वेरिएंट का। मेडिकल साइंस के बारे में जितनी मेरी समझ है, और जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने अपने बयान जारी किए हैं नए कोरोना के वेरिएंट के बारे में, उससे यही पता चलता है कि इसमें हमें बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा मामला है, भेड़िया आया भेड़िया आया, तो बार बार भेड़िया आएगा तो भेड़िया के डर लोगों में खत्म हो जाएगी, और जब असली में भेड़िया आएगा तो लोग बेपरवाह रहेंगे और भेड़ को उठा के ले जाएगा। तो बेमतलब इतना हल्ला गुल्ला नहीं मचाना चाहिए। और भारत में वैक्सीनेशन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और वो कोरोना के प्रति टॉलरेंट है। चाइना की स्थिति दूसरी थी, उसकी पॉलिसी अलग थी। उसने एक तो सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाया, उसने कहा जो अफेक्टेड लोग हैं वही वैक्सीन लगवाए, एक बात। दूसरी बात ये थी कि चाइना ने बाहर की वैक्सीन पर, जैसे कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन थे, इस पर रोक लगा दी। इसकी वजह से ये होगा कि जो चाइना की लोकल वैक्सीन प्रोड्यूस हुई उसका जो इन्फ्लुएंस था, उसका जो इम्पैक्ट था, वो बहुत कम था। यहाँ तक कि बताते हैं कि 60-65% था, जबकि कोवैक्सीन का जो इम्पैक्ट था वो 80 से लेकर 89% था। तो इससे भारत में तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी लगी है ज्यादातर, तो एस्ट्रोजेनिका की ये सारी वैक्सीन थी, इसलिए भारत के लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, न घबराने की जरूरत है। अब ये है कि प्रिकॉशन के तौर पर मास्क वास्क लगाए बात अलग है, जो फॉरेन लोग हैं बाहर से आने वाले हैं उनको थोड़ा सा क्वारंटीन करके चेक करके अंदर आने दें तो ठीक है, लेकिन भारत में इतना पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है जितना यहाँ की मीडिया फैला रही है। नंबर एक। नंबर दो, जो निकाय के चुनाव का मामला है, अब ये मामला हाई कोर्ट में है तो सरकार की भूमिका समाप्त हो जाती है।
जब तक हाई कोर्ट इस पर कोई जजमेंट नहीं देगा तब तक सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। और मामला संवेदनशील है जो कि रिजर्वेशन का सवाल है और उसको लेकर के हाई कोर्ट कोई एक दिन में सुनवाई करके फैसला नहीं दे देगा, उसकी स्क्रूटनी करेगा और लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स की स्टडी करेगा, तो वो कुछ वक्त लेगा हियरिंग में। और जब तक वो वक्त लेता है तब तक सरकार को इसको पोस्टपोन करना ही होगा, और इसलिए सरकार के हाथ में नहीं है, ये माननीय हाईकोर्ट के हाथ में है। वो क्या करेंगे उसे अकॉर्डिंगली सरकार को करना होगा, फिर जो निकाय चुनाव में इन्वॉल्व हो रहे हैं राजनीतिक दल और प्रत्याशी उनको भी इंतजार करना होगा हाईकोर्ट के अगले आदेश का। ठीक बात है, हाईकोर्ट के अगले आदेशों का इंतजार करना होगा। लेकिन इस दौरान पांडे जी देखिए, कपिल जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग, हालांकि भरत जी ने कहा कि मीडिया भी पैनिक कर रही है, ये बड़ा फैला रही है कोरोना कोरोना करके, डरना नहीं चाहिए क्योंकि लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने जो मामले आ रहे हैं, अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी अगर कुछ जानकारी दे रहा है, IMA भी चिंतित हो रहा है, तो वहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कोई तो स्टडी की गई होगी IMA की तरफ से, विभाग की तरफ से, और सरकार यदि इतना चिंतित है उस बात को मीडिया तो जाहिर तौर पर जनता के बीच में ले जाएगी। और आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है जो कपिल जी ने उठाया कि क्या ये केवल आम जनमानस के लिए ही लागू है क्या? बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हो रही हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, वहाँ पर लोग जा रहे हैं और किस तरीके से हुजूम उमड़ रहा है, क्या ये बड़े बड़े नेताओं पर लागू नहीं होता क्या? उनको अमल नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि ये उत्तर प्रदेश या देश, कोई भी शादी समारोह, कोई व्यक्ति हो, वो राजा, वो प्रधानमंत्री हो या सामान्य नागरिक, चारों लोगों के लिए देश में नियम एक है, कानून है कि ये चारों लोग एक संविधान से, एक नैतिक अधिकार से गवर्न होते हैं, तो जो भी एडवाइस आएगी, जो भी गाइडलाइंस आएगी, वो सबके लिए बराबर होगी। क्योंकि अभी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, और ऐसी भी कोई परिस्थिति आती है जिसमें ये लगे कि हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं या ऐसा कोई भी लक्षण दिखता तो कुछ थोड़ा सा प्रिपेयर कर ले लोगों से, एक निगरानी की गई है। दूसरा, वो लोग जो विदेशों से आ रहे हैं उन पे निगरानी रखी जा रही है, उन लोगों की जांच वगैरह हो रही है। और हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ विदेश में जो फ्लाइट है जो कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं उनके बारे में एक दिन के अंदर एडवाइस जारी हो जाएगी, जारी भी हो जाएगी। इसमें गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों लोग और देश की सरकार पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि ऐसे किसी भी परिस्थिति को नहीं उत्पन्न होने दिया जाएगा जिससे कि देश में कोरोना फैले। तो मैं आपको पुनः एक बार स्पष्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को यह जिम्मेदारी पूर्व इस बात को कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसको निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उपयोग करें, उनका पालन नहीं उपयोग करें। हम आपसे ये जानना चाहेंगे पांडे जी कि सरकार की तैयारियां किस तरीके से हैं, भले ही भरत जी कह रहे हैं कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जो वैक्सीन की डोज ले रखी है उससे निश्चिंत रहना चाहिए हम लोगों को, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है, सावधानी बेहद जरूरी है। पिछली दफा भी जब ऐसी स्थिति आई तो हम लोग कह रहे थे, सरकार भी कह रही थी कि पूरी तैयारियां हैं, कोई अव्यवस्था नहीं है, किसी को कुछ नहीं होने पाएगा, लेकिन हमने देखा कि जिनकी ड्यूटी लगी थी उन लोगों ने कितने लोग बेचारे हजारों की तादाद में उन लोगों ने जान गंवा दी है। ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारी, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, सरकार की जितने भी हर जिले स्तर पे कोविड के लिए बेड तैयार कर दिए गए हैं, ब्लॉक स्तर पे बेड की तैयारी कर दी गई है, ऑक्सीजन के लिए जो उत्तर प्रदेश में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है उसमें से 95% जो ऑक्सीजन के प्लांट है वो एक्टिव है, वो अपने कार्य कर रहे हैं। जो प्रशिक्षण जो कर्मी है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनको प्रशिक्षण पूर्ण से दे दिया गया, डॉक्टर्स के, पेडियाट्रिक डॉक्टर्स के, जो भी इस तरह के डॉक्टर सबसे प्रशिक्षण पूर्ण कर दिया गया है और सारे लोगों को अलर्ट मोड पर लगा दिया गया है कि यदि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए आप तैयार हैं। मैं एक बार ऐसा स्पष्ट कर दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर वो आए ना आए बात का विषय है, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेके आश्वस्त है कि हमारी तैयारी पूर्ण है और किसी भी इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत का स्वास्थ्य विभाग तैयार है। कपिल जी, आप सहयोग जनता को करना है, जनता सहयोग के लिए भी तैयार है, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता बड़ी ठीक है। बात आ गई आपकी। यदि अभी यानी तैयार हैं आप तो कोर्ट से अगर आदेश भी आ भी जाता है कि चुनाव कराए जाएं तो आप बिल्कुल तैयारी में हैं। कपिल जी, आप कमर बांध लीजिए, मतलब केवल कोर्ट के आदेश का आप इंतजार करिए। यदि आदेश ये आ जा रहा है कि नहीं चुनाव कराए जाने चाहिए, तब तो भाई बिल्कुल सरकार की पूरी तैयारी है और आप भी बिल्कुल मुस्तैद रहिए।
देखिए, हम जहाँ जान से जुड़ा हुआ मामला है हाँ। वहाँ हम ये चाहेंगे कि हमारी सरकार जो है वो ज्यादा हमसे सतर्क रहे और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाए। अगर भारत में इस तरीके से कोरोना प्रभावित नहीं होता है तो लोकतंत्र की का जो समय से अनुपालन सुनिश्चित होगा बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कहां हो रहा है। लेकिन सतर्कता अपनी जगह पर, जैसे मैं आपसे ये निवेदन किया कि पहले तो आप इन उड़ानों पर रोक लगा दें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो अन्य जगहों से आ रही है वहां पर क्वारंटीन करने की व्यवस्था, उनको वापस भेजने की व्यवस्था या उनकी एक कोने में कहीं चिकित्सा की व्यवस्था, ताकि और ज्यादा फैल ना सके। और इस पर हमारे वैज्ञानिक हमारे कहने पे नहीं लगेंगे, वो लगे हुए होंगे कि ये जो स्पेशल वेरिएंट्स आ रहे हैं कि ये क्या पहले की तरह है या इनसे इम्यून हो जाएगा भारतीय, हमारा जो वैक्सीनेशन है हम सारे लोग, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च का मुद्दा है, इसको इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि हम सारे वैक्सीनाइज हो गए हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इम्यून हो गए। क्योंकि हम तो इम्यून हुए जिस कोरोना वायरस से, अब वो वेरिएंट बदल चुका है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ा करके आ रहा होगा, तो क्या हमारी जो वैक्सीनेशन लगी हुई है उन प्रतिरोधक क्षमताओं के विरुद्ध काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जो उसने बढ़ाया है? ये तो एक ऐसा विषय जो ना हम कह पाएंगे, ना गांधी साहब कह पाएंगे, ना पांडे जी, ना आप कह पाएंगे। बिल्कुल, मैं बहुत जेन्युइन बात आपको कह रहा हूँ कि इसे हमें अपने वैज्ञानिकों के हाथ से छोड़ देना चाहिए, अपनी सतर्कता में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। एक निवेदन है सरकार से मेरा, विपक्ष होने के नाते, सकारात्मक विपक्ष होने के नाते, कि आपने जिस तरीके से कोविड के वार्डों को तोड़ दिया है, जिस तरीके से संविदा पे रखे हुए डॉक्टरों को, नर्सेस को, वार्ड बॉयज को, कंपाउंडरों को हटा दिया, अब आप उनको अचानक अगर कहीं खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे कि दोबारा हमको वो मंजर देखने को मिले, क्योंकि अपनों को खोने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, देश का शायद एक एक परिवार देख चुका है। और मैं ये कहूंगा कि दोबारा ना हो, लेकिन हमें तैयारी तो होनी चाहिए। उनको आपने संविदा से बाहर कर दिया, वो आंदोलन पे रहे और आप उसके बाद भी उनको नौकरी पे नहीं रखे। 800 डॉक्टर जो है वो कोविड काल में प्रभावित हुए और कोविड की वजह से मृत्यु हो गई, जिनके लिए आपने थाली और ताली सब बजवाया था, लेकिन आपने उनको कोरोना से मरने वाला माना नहीं और आपने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन्हें दिया नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, आपने डीए बैक कर दिया लोगों की, जो सरकारी संस्थाओं ने काम किया आपके, उसमें जान पे हाथ पे लेकर के हमारे ही अपने परिवार के लोग हैं, ये देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जब ये विभीषिका आएगी तो माफ कीजिएगा, सरकारी कर्मचारी भी कहीं नहीं जाएगा और फिर सोचिए कि मौत का आलम क्या होगा। ये मैं बहुत सकारात्मक विपक्ष के रूप में आपको ये सारी चीजें कह रहा हूँ। जिन ऑक्सीजन प्लांटों को आपने शुरुआत करने की बात कही थी, दुर्भाग्यवश मैं बीसियों ऐसे जिला चिकित्सालय गिना दूं कि जहां पे वो प्लांटेशन हो नहीं पाया है और आज वो पैदा नहीं कर रहे। गोरखपुर के अंदर आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो भी उतना पैदा नहीं कर पा रहा जितनी आवश्यकता है, आपको बाहर से लेना पड़ रहा है। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, अभी वक्त है सरकार को इन सारी चीजों पे काम करना चाहिए और विपक्ष की भी जहां भूमिका हो आप हमें काम सौंपें, आप अपने साथ लगाएं, आप हमसे भी राय मशवरा करें, हम सारी चीजें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। बिल्कुल ठीक बात, यही सकारात्मक राजनीति है और कृष्णमोहन पांडे जी सुन भी रहे हैं, मुझे लगता है इस बात को रखेंगे भी सरकार के सामने। अगर ऐसी कहीं स्थिति आ रही जो आप बता रहे हैं प्लांटेशन या ऑक्सीजन की कमी अभी भी वैसी स्थिति बन सकती है तो जरूर रखेंगे। भरत गांधी जी आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यदि कोर्ट से फैसला आ जा रहा है और उसके बाद चुनाव सही समय पर कराए जाते हैं तो पोलिंग बूथों पर सरकार को किस तरीके से नए तरीके से काम करने की जरूरत है, या नए वो कौन से बंदोबस्त हैं जिनको लेकर के सरकार को पहल करनी चाहिए, या फिर ऑल इज वेल सब जैसे तैसे चल रहा है वैसे ही? देखिए योगी जी, बात ये है कि हमने कोरोना के काल में चुनाव कराने का अनुभव हासिल किया है। बिहार के चुनाव और आसाम के असेंबली के चुनाव विशुद्ध कोरोना काल में हुए और उस काल में हुए जब रोज रोज आना एक एक डेढ़ डेढ़ लाख लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे और केसेस आ रही थी, उस समय भी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी बिहार में और आसाम में। ये कहने की बातें थी कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं जहाँ 10-20 हजार लोग आएंगे नहीं हो पाता, वहां कितना पालन हो पाया? नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता है, खाली कहने की बातें रही। और मजाकिया बात ये भी रही कि उस समय फ्लाइट चल रही थी जब हम कोरोना में डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे, उस समय फ्लाइट में सब लोगों को सट कर बैठने की परमिशन थी,
और थोड़े दिन तक पीपी कैट की बात लगाने की बात रखी गई और बाद में तो पीपी किट भी फेंक दी गई। मुझे याद है कि आसाम के इलेक्शन हो रहे थे और मैं सोचता था कि फ्लाइट में पीपी किट पहनना पड़ेगा, वो मेरे लिए बड़ी दुखदायी थी। लेकिन मैं गया तो उन्होंने कहा कि सर पीपी किट का जो प्रोटोकॉल था खत्म हो गया। और आसाम के बिहार के इलेक्शन हुए, इसी तरह अगर योगी नगर निगम के इलेक्शन के लिए सिग्नल हाईकोर्ट दे देता है तो हमें लगता है सरकार को चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जैसा पहले से चुनाव हुआ था वैसा होगा, राजनीतिक दल अपना अपना काम करेंगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरी अपनी राय नहीं है बल्कि ऑल इंडिया एम्स ने नए वेरिएंट पर अपनी टिप्पणी, ऑफिशियल टिप्पणी भेजी है। अगर उनकी वेबसाइट पर आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक एक ऑफिशियल जानकारी दी है कि जो वेरिएंट आया है उस वेरिएंट से इंडिया के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खतरा चीन को है और चीन को इसलिए है कि चीन की गलती है। चीन ने अपनी वैक्सीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया स्वदेशी के नाम पर, तो उससे चीन को नुकसान हुआ है। लेकिन भारत के लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत, बिल्कुल भारत में अभी उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बात कही गई है। और साफ तौर पे आपने जिस तरीके से कहा, सरकार की भी पूरी तैयारी होनी चाहिए और तैयारी होगी, मुझे लगता है सरकार पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर रही होगी चुनाव को लेकर के, यदि सिग्नल मिल जाता है कोर्ट की तरफ से। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस कोरोना काल के दौरान, क्योंकि कोरोना अपने पैर पसार रहा है, और अगर निकाय चुनाव को लेकर के कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो सरकार की क्या कुछ तैयारी होगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।